राज है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रभात राजेश। कह सकते हैं आज देश जो है साक्षी बनने जा रहा है बदलते दौर का, नए भारत का। जितना रोमांचित कर रहा है नई संसद में प्रवेश करना, उतना ही एक भावुक क्षण भी है पुरानी संसद को विदाई देना, क्योंकि 75 साल का एक खूबसूरत इतिहास अपने साथ समेटे हुए है ये संसद। देखिए, सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं बल्कि तमाम जो संसद भवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की यादें पुरानी संसद भवन से जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र कल साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और स्पष्ट तौर पर यह बताने की भी कोशिश की। उन्होंने जो समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग थे उनका भी उन्होंने जिक्र किया, माली तक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हर किसी ने पानी पिलाई होगी, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने फूलों की बगिया सजाई होगी। और इस तरह से प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग, जिन्होंने संसद के निर्माण में अपने जो पसीने बहाकर इस निर्माण प्रक्रिया को पूरा किया, उन मजदूरों, उन तमाम हिंदुस्तानी लोगों के प्रति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया और कहा कि भले ही यह ब्रिटिश काल में यह संसद बनाई गई हो, लेकिन इसके निर्माण में हिंदुस्तानियों का जो पसीना है वो बहा है। यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार चुनकर संसद की दहलीज पर आए थे, माथा टेक कर जब वो केंद्रीय कक्ष में गए, सेंट्रल हॉल में जब पहला संबोधन उन्होंने दिया, तो उस संबोधन में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। और उनकी कल की जो स्पीच थी, वह जो एक वैश्विक नेता के तौर पर सहला, जो उनकी छवि उभर कर सामने आई है, उस छवि के हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अनुरूप उन्होंने तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ अपने को एसोसिएट किया और हर किसी की पीठ थपथपाई। अपनी पीठ थपथपाना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों के कार्यों की सराहना करना लोकतंत्र में बहुत बिरले जो है लोग कर पाते हैं। और यह पुराने दिनों की याद, जो नेहरू, लोहिया और जयप्रकाश के जमाने की जो बातें थी, उसका उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो एक कद था, उस कद को बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश की। और उन्होंने नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, चंद्रशेखर समेत डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो अच्छे कार्य किए गए उनका उन्होंने जिक्र किया। और निश्चित तौर पर एक भावुक पल था, और सिर्फ यह राजनेताओं के लिए नहीं, तमाम कर्मचारियों, तमाम जो संसद से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी, और हम जैसे पत्रकारों के लिए भी, जिन्होंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की शुरुआत से लेकर अब तक जो संसद भवन के गलियारे में 13-14 वर्षों से जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है, उन लोगों के लिए भी यह कहीं ना कहीं भावुक करने वाला पल है। जब हम अपने कैमरामैन गौरव से कहेंगे कि आपको यह जो दाहिने साइड में जो पुरानी जो संसद भवन है उसको वो दिखाएंगे, कि इस संसद भवन से जो हमारे पीछे नई संसद भवन बनी है, उस संसद भवन तक का जो सफर है, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो राजनेता हैं उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल रिपोर्टर, पॉलिटिकल एडिटर और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो हैं, जो जुड़े रहे, जिन्होंने संसद की रिपोर्टिंग की और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। और कल जब मैं तमाम लोगों से जब बातचीत कर रहा था, जिसको आपने दिखाया, तो उन तमाम लोगों के साथ जो पुराने पत्रकार थे उन्होंने भी अपने को संबद्ध किया और कहा कि हमने GST को रोल आउट होते हुए देखा, हमने कैश फॉर वोट देखा, हमने लोकपाल के ड्राफ्ट को फटते हुए अगर देखा, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक कानून को बनते हुए भी देखा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश के 75 साल के अतीत को समेटा हुआ जो पुराना संसद है, वो नए भवन के इंतजार में, पुरानी संसद भवन से हम नए संसद भवन की तरफ आज शिफ्ट करेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोकसभा के सांसद फोटोग्राफी करेंगे, राज्यसभा के सांसद की फोटोग्राफी होगी, फिर दोनों सदनों के लोग जो है फोटोग्राफी करेंगे और फिर केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आज का दिन वाकई बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है, एक पत्रकार होने के नाते भी हम सब लोग भी बहुत बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर सांसदों की बात करें तो